सब लोग एकजुट है। अरे हमारे काम वाइफ के कान के जो सामान थी और हमारे जो आपकी वाइफ जेवर पहनती थी उसको भी बेचना पड़ गया। उसको बेच करके हमने दिया कमीशन, मतलब जेवर बेच करके कमीशन देना पड़ रहा है। किसको दिया था? हाँ हमारे अधिकारी लेते हैं, यहाँ पर जो मुखिया है अधिकारी कमीशन लेते हैं। जय साहब हैं, वीडियो साहब हैं। फिर जब बात आती है तो नमस्कार दोस्तों, अभी विकास खंड रामपुर मथुरा परिसर में मौजूद है ग्राम रोजगार सेवक। करीब 10 बजे से यहां पे धरने पर बैठे हैं और विकास खंड अधिकारी जो संदीप कुमार हैं वो अभी अपने ऑफिस में एसी की हवा ले रहे हैं। और आपको बता दें कि यहां पर आप खुद ही देख सकते हैं कि इस भयंकर गर्मी में इस भयंकर पसीना निकल रहा है। लोगों को देखिए, आप खुद इनके चेहरे को देखिए, जो इनको मानदेय मिलता है इन्हीं से इनका जो है घर परिवार, इनकी रोटी चलती है। आप सोचिए कि इस तरीके से, आपको बता दें कि जनपद सीतापुर में सबसे नंबर वन घोटाले में अगर बात आती है तो रामपुर मथुरा का नाम आता है। इससे पहले भी कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो चुकी, जैसे कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी थे, लेकिन फिर भी जो है सुधरने का नाम नहीं ले रही है ये जो रामपुर मथुरा ब्लॉक है। जो क्षेत्रीय विधायक है ज्ञान तिवारी लगातार कहते हैं भ्रष्टाचार बंद हो। कैसे होगा बंद? जैसे जब तक ऐसे अधिकारी बैठे रहेंगे तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग जो है क्यों धरने पे बैठे हैं। क्या नाम है आपका? रामनिशा चौहान। आप लोग कितने बजे से धरने पे बैठे हैं? हम लोग 10 बजे से बैठे हैं। क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या हम लोगों का मानदेय नहीं दिया गया है 3 महीने का, जो कि पैसा भी आया है। तो पहले कहे थे दे देंगे पूरा मानदेय। कब से जो है मानदेय नहीं मिला आप लोगों को? मार्च तक मिल गया था, अप्रैल मई जून का बाकी है। चौथा महीना चल रहा है, जुलाई भी चल रहा है। तो आखिर कारण क्या रहा कि आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है? मानदेय सब जगह मिल गया, हमारे यहाँ मानदेय नहीं मिला। किसी एक महीने का मिला, किसी को 2 महीने का, किसी को वो भी नहीं मिला है। एक दो लोगों 3 महीने। क्या आप लोगों ने अधिकारी को सूचित किया, शिकायत की? सूचित किया गया, इसका ज्ञापन भी दिया गया था हम लोगों का मानदेय का पूरा भुगतान किया जाए। ज्ञापन देने के बावजूद भी आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही आप लोगों की? खाली सुन लेते हैं, इसके बाद करते हैं। मन का कहन करना हमको है, आपने कह दिया मैं विचार करूंगा। कब तक आप लोग धरने पर बैठे रहेंगे? या कोई यहाँ का अधिकारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तब तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। क्या कोई अधिकारी आपसे, 10 बजे से आप धरने पर बैठे हैं, क्या कोई अधिकारी आपसे संपर्क करने का प्रयास किया? नहीं, किसी ने प्रयास नहीं किया। विकास खंड अधिकारी जो रामपुर मथुरा में है, आज आए हैं यहाँ पे? आए तो हैं। क्या आपसे संपर्क करने का प्रयास किया कि आप लोग क्यों धरने पे बैठे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे? नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ा। क्या नाम है भैया? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी किस ग्राम पंचायत में रहते हैं पहले बताइए? ग्राम पंचायत मेरे समदा है, गाँव मेरा रन्नी है। क्या समस्या आ रही है? समस्या मेरे यहाँ की मुझे मानदेय नहीं दिया गया एक भी माह का, और हवाला ये दिया कि आपके यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। इसके पहले हमने काम कराए अमृत सरोवर पर, उसमें हमने कमीशन जमा किए 1,10,000 रुपये, वो जमा किए 1,30,000 हमने खुदाई में लगाया। उसके बाद जो 57,000 का हमारा भुगतान हुआ, उसके बाद हम उसमें प्रजेंटी लगाए, लेबर लगाए, उसके बाद हमारा जो जीरो करा दिया गया। अब हमारे कोई इतनी क्षमता नहीं रही जो हम अगला काम कराएँ। और घर में हमारे पर जो समस्याएं हमारे ये तकरार हो रही है कि हम घर के जो हम सामान थे उन्हें बेच कर उन्हें जो है कमीशन दिया। कौन से सामान आपने बेच दी? अरे हमारे काम वाइफ के कान के जो सामान थी और हमारे जो आपकी वाइफ जेवर पहनती थी उसको भी बेचना पड़ गया। उसको बेच करके हमने दिया कमीशन। मतलब जेवर बेच करके कमीशन देना पड़ रहा है, किसको दिया था? हाँ हमारे अधिकारी लेते हैं, पर जो मुखिया है अधिकारी कमीशन लेते हैं। जय साहब हैं, वीडियो साहब हैं। फिर जब बात आती है तो टीए और प्रधान और ग्राम रोजगार सेवक पर मुकदमा लिखा दिया जाता है, जैसे कि अभी महमूदाबाद में हुआ भी ऐसा है। तो क्या इसमें विकास खंड अधिकारी दोषी नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन कहना कौन कहेगा और कौन करेगा उनके लिए। तो यहाँ पे देखिए इस भयंकर गर्मी में लोग परेशान। यहाँ पे सबसे कमजोर श्रेणी तो रोजगार सेवक है। कितने परिवार में लोग रहते हैं आपके? 8 लोग हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको जेवर बेच करके कमीशन देना पड़ा, क्या आपने एक भी शब्द ऐसा नहीं वहाँ पे अधिकारियों से बोला नहीं कि अगर हम जेवर बेच करके कमीशन दे देंगे तो हमारे बच्चे हमारी वाइफ क्या करेंगी फिर? नहीं वो बोला तो कहा भैया अगर हर या पड़ रहा है तो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब कमीशन देना पड़ेगा, परिवार चाहे भूखे मर जाए। बस समस्या तो यही है, और एक माह का मानदेय भी नहीं मिला हम तो आज, मतलब एक पैसा नहीं मिला। और हमारे घर में कम से 10 दिन से तकरार हो रही है कि हमको पैसा चाहिए, मतलब हमारे सामान चाहिए। अब हम सामान तो बेच दिए, विवाद भी होना शुरू हो गया है। सामान हमने बेच दिए, पैसा है नहीं, सामान खरीद कर दे दिए हम।
ये हमारे घर में बहुत बड़ी समस्या है सर। इस समय तो हमको सब्जी लाने तक दुश्वार है। कब तक धरने पे बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक हमारा पैसा वापस नहीं होगा। जरा उधर दिखा भी दीजिए, विकास खंड अधिकारी की गाड़ी निकल पड़ी है, जा रही है, रवानगी हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया वाले इनसे सवाल भी पूछ ले तो इसके पहले ही जो है निकल रहे। उधर दिखाइएगा जरूर, जैसे निकल के बैठते हैं विकास खंड अधिकारी उनको भी जरा दिखाइए। क्या नाम है आपका? कृष्ण मुरारी पाठक। कब तक आप धरने पे बैठे रहेंगे? समस्या क्या आ रही, मेन समस्या बताइए। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक बैठे रहेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मानदेय हमारा मिल जाए, जितना बाकी है वो मानदेय हमको चाहिए। तीन माह का मानदेय हमको चाहिए। क्या नाम है आपका? राम मुनिधर चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम रोजगार सेवक संघ रामपुर मिश्रा। आप अध्यक्ष हैं यहाँ पे जो धरने पे बैठे हैं ग्राम रोजगार सेवक, कितने बजे से आप लोग धरने पे बैठे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ 10 बजे आ गए। 10 बजे तो क्या क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या मानदेय, इधर इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन में काम तो आचार संहिता में हो नहीं सकता था। इन्होंने ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने कोई काम नहीं किया है, काम नहीं किया इसलिए वेतन नहीं देंगे, जबकि अन्य ब्लॉकों में 3-3 महीने का मानदेय शासन द्वारा निर्देश है कि मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने का मानदेय दिया जाए। 120 करोड़ पैसा आया है कंटेजेंसी के मानदेय का भुगतान, मानदेय का कार्मिक के लिए प्रथम रोजगार सेवक का दिया जाएगा, इसके बाद अन्य में दिया जाएगा। उन्होंने कब तक का जो है मानदेय आपको अभी नहीं मिला? आप सभी लोगों मार्च तक मिल गया था, अप्रैल मई जून जुलाई चल रही है। पहले आप लोगों ने शिकायत की इसकी? हाँ, इसके लिए ज्ञापन भी दिया गया हम लोगों का भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा जो कंटेंसी बनेगी तो अन्य ब्लॉक में कंटेंसी तो बात अन्य ब्लॉक जो दे दिए हैं 15-16 ब्लॉक तो उसमें कंटेंसी नहीं बनी क्या? इस भयंकर गर्मी में इस परेशानी में इस तरीके से बैठे हुए हैं आप? ब्लॉकों में भी हो गया है, 1-2 ब्लॉक उसमें थोड़ा 1-2 महीने रोका गया, 1-8 महीने का। क्या कारण हो सकता है? अब कोई कारण हो सकता है। कब तक आप धरने पे बैठे रहेंगे? जब तक कि मानदेय का इसका निराकरण नहीं हो जाता है। इनसे यही बात हुई थी 2-2 महीने का हर व्यक्ति को दे दिया जाए जिससे अपना चलता रहे, और कहा भी था कि हम 2 महीने दे देंगे, तो इन्होंने ऐसा भेदभाव करके किसी को 3 महीने दिया, किसी को 2 महीने का, और किसी 1 महीने का। 2 लोग रह गए, समुदाय एक है और एक खड़े मितौरा, यहाँ के 1 महीने का नहीं दिया गया। यहाँ के विकास खंड अधिकारी का नाम क्या है? संदीप कुमार। क्या उनसे संपर्क करने का प्रयास किया आप लोगों? संपर्क 2-3 बार गए, कहे भी बात कह लेते हैं हमने, लेकिन वो कहते कुछ हैं करते कुछ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप लोग धरने पर क्यों बैठे हैं? नाम बताइए पहले अपना। ब्रजेश मिश्रा। आप लोग धरने पर क्यों बैठे हैं? धरने पर हम लोग अपने मानदेय के लिए बैठे हैं, मानदेय हम लोगों को नहीं मिला। कितने दिन से? 3 महीने से। इस वक्त आप धरने पर कहाँ पे बैठे हैं? विकास खंड रामपुर मथुरा मुख्यालय पर। तो मानदेय जो है आपको नहीं मिला है? मानदेय मिला है, असमान मानदेय मिला है हम लोगों को, किसी को 1 महीने का, किसी को 2 महीने का, किसी को 3 महीने का, किसी को 1 महीने का मानदेय नहीं मिला है, इसलिए इस असमानता के खिलाफ हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। कितने बजे से आप लोग धरने पर बैठे हैं? 10 बजे से बैठे हैं हम लोग। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे यही हैं कि हमारी समस्याएं जो है उनको दूर किया जाए, हमें बराबर मानदेय सबको दिया जाए। आपने कहीं उच्च अधिकारियों से इसको लिखित में नहीं कहा? आज ही बैठे हैं, इसके पहले हम लोग ज्ञापन दिए थे, साहब को आश्वासन भी मिला था, लेकिन जब मानदेय लगाया गया तो वो नहीं लगाया गया, इस हिसाब से हम बैठे हैं। ज्ञापन देने के बाद भी कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आया, तो अभी कब तक आप धरने पे बैठे रहेंगे? जब तक समस्याएं नहीं खत्म होती हैं तब तक बैठे रहेंगे। कोई उच्च अधिकारी संपर्क करने का प्रयास किया आप लोगों से? नहीं, अभी नहीं। तो सभी ग्राम रोजगार सेवक यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुनील सिंह। किस लिए धरने पे बैठे हैं? मानदेय की असमानता। कब तक धरने पे बैठे रहेंगे और क्या मांगे हैं आपके? जब तक हम लोगों की समस्याएं हल नहीं होंगी, इस बार पूरी आर पार की लड़ाई हम लोगों की, सब लोग एकजुट हैं। हमारे साथियों ने वीडियो साहब से कई बार मिलने का प्रयास किया और मिले भी। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि 2 महीने का मानदेय आप लोगों को सबको साथ में दिया जाएगा। अपनी मनमानी करके उन्होंने किसी को 1 महीने का, किसी को 2 महीने का, किसी को 3 महीने का, किसी को ना ही दिया गया है।
हमारे कुछ साथी भुखमरी के कगार पर हैं, जिनका जीवन यापन का सिर्फ आश्रय यही है, जहाँ उनका जीवन यापन चल रहा है। उनके हालात बिगड़ चुके हैं, परिवार की स्थिति नाजुक है, लेकिन इसको कोई समझ नहीं रहा है।